हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है निकांत दिल फैमिली व्लॉग्स में। तो मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। मेरे भी मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जैसे कि जो गुड्डी लोचप के साथ हुआ है, और आज कई जो यूट्यूबर हैं तो उन्होंने उनकी वीडियो को लेके, जैसे उनका चैनल हैक हो गया है, उसके बारे में बोला है कि भाई वो तो ड्रामे कर रही है, और मतलब उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो ऐसे पता नहीं क्यों मजाक बना रहे हैं लोग, पता नहीं लग रहा। कोई कहता है कि उन्होंने व्यूज पाने के लिए ये ड्रामा किया है गुड्डी लोचप ने, कि भाई वो तो व्यूज के लिए वो अपने दूसरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। अब भाई पता नहीं, देखो किसी के अंदर तो बढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, किसको क्या पता कि उन्होंने क्यों किया है ये सब। इतने मतलब 2-3 दिन हो गए ये सब चल रहा है उनके साथ, नई नई वीडियोस आ रही हैं उनको लेके, उनके जो चैनल है दूसरा चैनल गुड्डी लोचप के नाम से, उन पे भी वीडियोस आई हैं 2-3 दिन से। पर ये है कि भाई कोई वैसे तो रोता नहीं, ये बात तो रियल है। उन्होंने रो रो के बताया है कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने मतलब गलती से ही अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को दिया है। उन्होंने ट्रस्ट करके ही अपना भाई अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया। तो उस बंदे ने क्या पता उसके मन में क्या आई कि मैं ये चैनल अब अपने पास रख लेता हूँ और इससे मैं पैसे कमाऊँगा, इस पे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो ये सब है भाई। फिर मैं तो यही कहती हूँ कि किसी का मजाक मत उड़ाओ ऐसे भाई। ठीक है तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते भाई, ये दुनिया ना मतलब कॉमेडी बहुत करते हैं, सबको आती है, सबको ही, ये नहीं है कि किसी किसी को आती है। पर ये है कि हाँ भाई अपने लेवल पे सोचो कि हम कहाँ हैं और दूसरा बंदा कहाँ है, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यूट्यूब पे। हम भी नए नए आए हैं, हमें भी पता लगा है कि हाँ भाई यूट्यूब पे बहुत मेहनत लगती है। पहले वीडियो बनाते हैं, सोचते हैं, माइंड इतना ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा ही, कि हाँ क्या करें, क्या कंटेंट डाले, क्या थंबनेल डाले, कैसे हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा। तो सब सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा चैनल ग्रो करे, हम किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए, इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ही ना। तो वही बात है, हर कोई चाहता है कि हाँ भाई मैं पैसे कमाऊँ, हर कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। अब यूट्यूब को ही लेके देख लो कि हर कोई यही सोचता है कि हाँ भाई मेरा चैनल अच्छे से चले, अच्छी मेरी इनकम आए, अच्छे व्यूज आए, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होए और प्यार भी सबका मिले। कोई नेगेटिव नहीं करता वीडियो में कि हाँ भाई नेगेटिव सोच के साथ चलता है, सब यही सोचते हैं कि भाई अच्छा डाले हम, ताकि जो व्यूवर्स हैं हमारे उनको भी अच्छा लगे। तो भाई जिसके ऊपर बीतती है ना ये सब, उसी को ही ज़्यादा फील होता है कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे मैं इस चीज़ को हैंडल करूँ, कैसे क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए, मेरा चैनल मिल जाए। तो वही बात है, सब हेल्प मांगते हैं इस टाइम पे कि हाँ भाई कोई मेरी हेल्प कर दो। तो वही बात है, जो उस बंदी के माइंड में आया उसने किया, जहाँ तक वो जाना चाहती थी वो गई, कि भाई मेरा चैनल मुझे मिल जाए या फिर डिलीट हो जाए। तो एक बात ये भी है कि भाई बंदा है ना जिसने भी लिया था इतना सब कुछ करने के बाद, तो वो अपना वो चैनल दे देता है, ऐसे भी बंदे मिल जाते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि भाई हाँ उसने वो चैनल दे दिया होगा, क्योंकि आज की दुनिया ना बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। पर हाँ क्या पता मिल भी गया हो उनको, पर सच्चाई तो अब उन्हीं को ही पता है ना कि क्या
है क्या नहीं है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसी भी बंदे का मजाक मत उड़ाओ। लाइफ में क्या पता है किसके साथ क्या हो जाए, किसी का फोन हैक हो जाए, किसी का चैनल हैक हो जाए। ये हैक वैक के बारे में मेरे को तो इतना पता नहीं कि भी ऐसे भी चैनल हैक हो जाते हैं क्या, पर आज की जो टेक्निक चली हुई है ना उसके हिसाब से तो पता नहीं चलता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। क्योंकि अब आजकल देख लो बैंक से ही ट्रांसफर पैसे गायब हो जाते हैं, बैंक से ही, बैंक अकाउंट से आजकल। तो पहले ये भी चला था बहुत ज़्यादा ही कि हाँ भाई बैंक से पैसे निकल गए हमारे एटीएम से, ये भी बात बहुत चली थी पहले कि हाँ आप अपना अकाउंट नंबर दे दो और पिन कोड बता दो, ऐसे ऐसे करके बहुत चला था ये भी क्रेज़ उस टाइम पे। पैसे पे पैसे, सभी के पैसे ऐसे निकल रहे थे, सभी का अकाउंट खाली हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो होता होगा ये सब भी कि चैनल भी, पर ये यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने गलती से ही खुद, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनकी पेमेंट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने खुद ही अपना मेल आईडी और पासवर्ड किसी को दे दिया। उन्होंने ये बात कही है कि हाँ भाई मैंने चैनल दे, मतलब अपने चैनल की मेल आईडी और पासवर्ड किसी को दे दिया हेल्प के लिए कि मेरी पेमेंट नहीं आ रही थी। तो भाई उन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास पे बस उनका चैनल चला गया, उन्होंने गलत यूज़ कर लिया किसी बंदे ने। पर अब पता नहीं कि दुनिया की सच्चाई क्या है कि हाँ भाई वो रियल है या फेक है। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि अपना भाई अपनी सच्चाई, अपने आप सच्चे रहो, कुछ नहीं होता, जो किस्मत में होता है ना वो मिलता है। आप कितना भी कमा लेना, कितना भी, वो भी थोड़ा रहेगा, क्योंकि पैसे की कोई लिमिट नहीं होती कमाने की सही में। क्योंकि पैसा तो आनी जानी है, कहीं भी खर्च हो जाता है, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है और उसमें खर्च हो जाता है, पर कितना ही कमा लो लिमिट नहीं है पैसे की। तो बस जितना है तुम्हारे पास उसमें सब्र करो, ठीक है, अपना मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होता। दो चैनल बना लिए, तीन चैनल, चार चैनल बना लिए, तो इससे कुछ नहीं होता। अपना एक चैनल हो या दो चैनल हो, उन पे मेहनत करते रहो अच्छे से, सच्चे मन से। पर हाँ स्टार्टिंग में तो देखो एक न्यू क्रिएटर होता है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि वो नया नया होता है, उसको सीखने की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता है इन सब कामों में। तो वो यही सब सोच के चलता है कि हाँ भाई अच्छे से मेरा चैनल ग्रो करे, किसी की हेल्प मिल जाए। तो एक न्यू क्रिएटर होता है ना, उसको बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो ठीक है भाई, किसी की हेल्प की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो हर कोई सोचता है कि उससे कॉन्टैक्ट हो जाए, उससे कॉन्टैक्ट हो जाए। तो मैंने ना एक बात देखी है कि कई बंदे होते हैं जो हेल्प कर देते हैं, बता भी देते हैं कि हाँ भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, पर कई क्या होते हैं अपना ही फायदा देखते हैं कि हाँ भाई मुझसे ही कर। तो भाई कोई कोई मिलता है हेल्प करने वाला भी, हर कोई हेल्प करके राजी नहीं होता, वो बस यही सोचता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं इन सब में। पर मैं तो यही सोचती हूँ भाई, देखो आज मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब पे नई नई आई हूँ, मेरा मन ऐसा है कि मैं जो भी मुझसे हेल्प मांगेगा ना मैं उस बंदे की हेल्प जरूर करूँगी, जरूर से जरूर। क्योंकि हम भी एक क्या होता है, हम थोड़ा ना सब्सक्राइबर होते हैं, है? हम थोड़ा ना व्यूवर्स होते हैं, पब्लिक ही तो होती है व्यूवर्स, है ना। तो उन्हीं की वजह से ही हमारा चैनल ग्रो कर पाता है, वही हमारे चैनल को देखते हैं, उन्हीं के हेल्प से हमें कमाई मिलती है, हमें हमें पैसा मिलता है। तो क्या है भाई, किसी की हेल्प करने में कुछ जाता थोड़ा ना है, पब्लिक की तो हेल्प कर रहे हो, उन्हीं की वजह से तो सब कुछ मिल रहा है आपको। तो बस यही है, किसी का मजाक मत उड़ाओ, सच्चे मन से अपना काम करते रहो, सब अच्छा होगा, सभी शांति से चलेगा सब कुछ, ना ही अफवाह उड़ेंगी और ना ही कुछ होएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना
और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को भाई। हर कोई सपोर्ट मांग रहा है, हर कोई हेल्प मांग रहा है, हर पब्लिक से, पब्लिक ही करेगी ठीक है। एक जैसे बड़ा यूट्यूबर है वो कर देगा, तो ऐसे ही बने रहना मेरे चैनल पे, अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी ठीक है। जितनी मेहनत मुझसे हो पाएगी मैं करूँगी, तो ऐसे ही सबकी हेल्प करो। कुछ नहीं है, पैसा आने जानी है, ये तो बस एक मोह है और कुछ नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ, पर इच्छाओं का कभी एंड नहीं होता, तो इसलिए तो पैसे कमाने का भी कोई एंड नहीं है कि हाँ भाई। पर ठीक है, अपना सच्चे मन से करते रहो, सब कुछ अच्छा चलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।